हमारे चैनल स्पिरिचुअल स्टोरीज बाय ऑडियो पिटारा को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इस श्रावण महीने में सुनिए शिव पुराण। धन्यवाद। शिव पुराण में आप सुन रहे हैं श्री रुद्र संहिता। कथा का नाम है पुष्पों द्वारा शिव पूजा का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि भगवान शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए? विभिन्न फूलों से पूजा करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं? सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने उन्हें पुष्पों द्वारा शिव जी की पूजा के महात्म्य को बताया। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, लक्ष्मी अर्थात धन की कामना करने वाले मनुष्य को कमल के फूल, बेलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। 100,000 पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा होने पर सभी पापों का नाश हो जाता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 100,000 फूलों से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य को संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। जिसके मन में कोई कामना ना हो, वह उपासक इस पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र के 500,000 जाप पूरे होने पर महादेव के स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। 100,000 जाप से शरीर की शुद्धि हो जाती है। 200,000 के जाप से पहले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। 300,000 जाप के पूर्ण होने पर इच्छा की गई सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। 400,000 जाप पूर्ण होने पर भगवान शिव सपनों में दर्शन देते हैं। 500,000 जाप पूरा होने पर वे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मृत्युंजय मंत्र के 1,000,000 जाप करने से संपूर्ण फलों की सिद्धि होती है। मोक्ष की कामना करने वाले मनुष्य को 100,000 दर्भों से शिव पूजन करना चाहिए। आयु वृद्धि की इच्छा करने वाले मनुष्य को 100,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 100,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में लाल डंठल वाले धतूरे को शुभदायक माना जाता है। यश प्राप्ति के लिए 100,000 अगस्त्य के फूलों से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल द्वारा शिव जी की पूजा करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अड़हुल के 100,000 फूलों से पूजा करने पर शत्रुओं की मृत्यु होती है। 100,000 करवीर के फूलों से शिव पूजन करने पर समस्त रोगों का नाश हो जाता है। दोपहरिया के फूलों के पूजन से आभूषण तथा चमेली के फूलों से पूजन करने से वाहन की प्राप्ति होती है। अलसी के फूलों से शिव पूजन करने से विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं। बेलों के फूलों से अर्घ्य देने पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के फूलों से पूजन करने पर घर में धन संपदा का वास होता है तथा अन्न के भंडार भर जाते हैं। कनेर के फूलों से पूजा करने पर वस्त्रों की प्राप्ति होती है। सेदुआरी और शेफालिका के फूलों से पूजन करने पर मन निर्मल हो जाता है। हार सिंगार के फूलों से पूजन करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। राई के 100,000 फूलों से पूजन करने पर शत्रु मृत्यु को प्राप्त होते हैं। चंपा और केवड़े के फूलों से शिव पूजन नहीं करना चाहिए। ये दोनों फूल महादेव के पूजन के लिए अयोग्य होते हैं। इसके अलावा सभी फूलों का पूजन में उपयोग किया जा सकता है। महादेव जी पर चावल चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह चावल अखंडित होने चाहिए। उन्हें विधि पूर्वक अर्पित करें। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजन करते हुए शिवलिंग पर वस्त्र अर्पित करें। गंध, पुष्प और श्रीफल चढ़ाकर धूप दीप से पूजन करने से पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। उसी प्रांगण में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे सांगोपांग पूजा संपन्न होती है। 100,000 तिलों से शिवजी का पूजन करने पर समस्त दुखों और क्लेशों का नाश होता है। जौ के दाने चढ़ाने पर स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं के बने भोजन से 1,000,000 शिव पूजन करने से संतान की प्राप्ति होती है। मूंग से पूजन करने पर उपासक को धर्म, अर्थ और काम भोग की प्राप्ति होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली है।
उपासक को निष्काम होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके जल धारा समर्पित करनी चाहिए। शतरुद्रीय मंत्र से एकादश रुद्र जप, सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव ओम मंत्र द्वारा शास्त्रोक्त मंत्र से जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। धारा पूजन से संतान की प्राप्ति होती है। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा का पूजन उत्तम होता है। उपासक को भस्म धारण प्रेम पूर्वक शुभ एवं दिव्य द्रवों द्वारा शिव पूजन कर उनके सहस्र नामों का जाप करते हुए शिवलिंग पर घी की धारा चढ़ानी चाहिए। इससे वंश का विस्तार होता है। 10,000 मंत्रों द्वारा इस प्रकार किया गया पूजन रोगों को समाप्त करता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नपुंसक पुरुष को शिवजी का पूजन घी से करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और प्राजापत्य का व्रत रखना चाहिए। बुद्धिहीन मनुष्य को दूध में शक्कर मिलाकर इसकी धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि मनुष्य का मन उदास रहता हो, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए तथा घर में सदैव लड़ाई रहती हो, तो मनुष्यों को शक्कर मिश्रित दूध 10,000 मंत्रों का जाप करते हुए शिवलिंग को अर्पित करना चाहिए। खुशबू वाला तेल चढ़ाने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि शिवजी पर शहद चढ़ाया जाए तो टीबी जैसा रोग भी समाप्त हो जाता है। शिवजी को गन्ने का रस चढ़ाने से आनंद की प्राप्ति होती है। गंगा जल को चढ़ाने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपरोक्त वस्तुओं को अर्पित करते समय मृत्युंजय मंत्र के 10,000 जाप करने चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार शिवजी की विधि सहित पूजा करने से पुत्र पौत्रादि सहित सब सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ही आध्यात्मिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।